नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए। दोस्तों जैसे कि वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक होने वाला है मैट पेपर वर्सेस ग्लॉसी पेपर। यहाँ पर इन दोनों पेपर में से कौन सा पेपर आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप किसी भी तरह की ऑनलाइन की दुकान या फिर साइबर कैफे या फिर घर पर ही कलर प्रिंटर है और आपके पास ग्लॉसी पेपर और मैट पेपर दोनों ही उपलब्ध है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पता होना जरूरी है कि यहाँ पर ग्लॉसी पेपर क्या होता है और ग्लॉसी पेपर पर किस तरह की प्रिंट निकालने चाहिए और मैट पेपर क्या होता है और मैट पेपर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या होती हैं और मैट पेपर पर किस तरीके की प्रिंट निकालने चाहिए, पूरी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। तो यही सब जानने के लिए आज की इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्लॉसी पेपर और मैट पेपर में से कौन सा अच्छा है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले तो समझना जरूरी होगा यहाँ पर ये जो इंक टैंक प्रिंटर होते हैं वो काम किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो इंक टैंक प्रिंटर होते हैं उनमें एक हेड होता है जो कि हवा के प्रेशर के साथ यहाँ पर पेजेस पर डॉट डॉट छोड़ता जाता है और उन्हीं डॉट डॉट से जुड़कर आपका पिक्सल तैयार होता है और पिक्सल जुड़कर आपकी एक फोटो तैयार होती है। तो यहाँ पर इतना तो आपको ही पता होगा कि अगर वो पिक्सल सही तरीके से बारीकी से एडजस्ट किए गए हैं, मतलब कि छोटे से छोटे बारीक से बारीक पिक्सलों से अगर आपकी इमेज बनी है तब तो आपकी इमेज बहुत ही क्लियर होने वाली है, और अगर आपकी फोटो कम पिक्सल से बनी है तो यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो धुंधली होने वाली है, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी मार्केट में प्रिंटर मिलते हैं वो अपनी प्रिंटिंग रेगुलेशन को बताना नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए आपको इस चीज पर ध्यान देना होता है कि जब भी आप प्रिंटर खरीदो तो यहाँ पर उस पर रेगुलेशन का खास तौर पर ध्यान दो कि ये प्रिंटर अच्छे से बारीक प्रिंटिंग करता है या फिर नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्लॉसी पेपर के बारे में। तो देखिए जो आपका ग्लॉसी पेपर होता है वो बिल्कुल स्लिम होता है, मतलब बिल्कुल चिकना होता है, यहाँ पर इतनी सी दरदराहट नहीं होती है, और इसकी खासियत होती है कि अगर आपका प्रिंटर हाई क्वालिटी का है वहां पर आपको हाईएस्ट रेगुलेशन देखने को मिल रहा है आपके प्रिंटर में, आपके पास जो ग्लॉसी पेपर है उस पर आप प्रिंट कर सकते हो और आपको क्वालिटी जबरदस्त देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। और अगर वहीं पर आप मैट पेपर पर हाईएस्ट रेगुलेशन में प्रिंटिंग करते हो तो आपको वही क्वालिटी देखने को मिली जो कि कम रेगुलेशन में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि भाई यहाँ पर जब ग्लॉसी पेपर में अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है तो फिर मैट पेपर का क्या इस्तेमाल है। देखिए अगर आपका प्रिंटर हाईएस्ट रेगुलेशन देने में सक्षम है तभी आपके ग्लॉसी पेपर पर अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी प्रिंटिंग में, लेकिन इसके अपोजिट अगर आपका जो मैट पेपर है उस पर आप कम रेगुलेशन में भी अगर प्रिंटिंग करवाते हो अपने प्रिंटर के माध्यम से तब भी आपको ठीक ठाक पिक्चर देखने को मिल जाती है, मतलब कि आप घर पर ही अपने प्रिंटर के माध्यम से मैट पेपर और ग्लॉसी पेपर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जहां पर आप एक साइड तो ग्लॉसी पेपर पर उसी रेगुलेशन में, मतलब कि कम से कम रेगुलेशन में पासपोर्ट फोटो प्रिंट कीजिए और वहीं पर उसके अपोजिट मैट पेपर पर भी पासपोर्ट फोटो प्रिंट कीजिए। अंतर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि यहां पर जो आपका ग्लॉसी पेपर है वो काफी चिकना है, यहां पर बिल्कुल समतल होने के कारण यहां पर जो आपके डॉट डॉट है वो आसानी से दिख रहे हो और यहां पर आपको बारीक प्रिंटिंग देखने को नहीं मिल रही है, और इसके अपोजिट जो आपका मैट पेपर होता है उसकी बनावट ही कुछ इस तरीके से होती है कि वहां पर आपको छोटे छोटे बारीक बारीक डॉट टाइप के देखने को मिलते हैं जो कि काफी स्ट्रांग होते हैं, और वहां पर जब प्रिंटिंग की जाती है तो यहां पर पता नहीं चलता है कि आपकी फोटो में पिक्सल्स कम है, और ऐसे में अगर आप मैट पेपर पर फोटो प्रिंट कर देते हो पासपोर्ट फोटो तो वो आपकी क्लियर दिखेगी और वहां पर अलग एक शाइनिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे में मैं आप सभी को एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप फोटो प्रिंटिंग का काम करते हो तो यहां पर मैट पेपर पर ही आप अपनी फोटो प्रिंट करें, और वहीं अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह प्रिंट करना चाहते हो तो यहां पर ग्लॉसी पेपर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मैट पेपर के अकॉर्डिंग ग्लॉसी पेपर बहुत सस्ता आता है, तो इसीलिए आप ग्लॉसी पेपर का ही इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज एक ही यहां पर जो आपके वर्ड वगैरह होते हैं
वो क्लियर तौर पर आपके ग्लॉसी पेपर पर ही सही तरीके से टाइप होते हैं, मतलब कि छपते हैं। तो इसीलिए दूसरा रीजन ये भी होता है ग्लॉसी पेपर यूज करने का। और वहीं पर अगर आप मैट पेपर पर किसी भी तरह की लिखावट प्रिंट करते हो तो वो आपकी परफेक्ट प्रिंटिंग नहीं होगी, यहाँ पर आपको निराशाजनक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा ग्लॉसी पेपर और मैट पेपर में क्या अंतर होता है और कौन सा पेपर किस लिए यूज करना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।